मेहंदी लगा के रखना टू एक काफ़ी अलग सिनेमा, काफ़ी अलग जोन का सिनेमा है। उसके जो प्रोड्यूसर हैं अनंजय रघुराज जी, वो जब भी कोई सिनेमा इस तरीके की बनाते हैं थोड़ा एक अलग जोन का बनाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमा बनाते हैं। और जिस जबकि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी हैं, उन्होंने काफ़ी कमाल तरीके से इस फिल्म को सजाया है, काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी उम्दा सिनेमा बना है। बल्कि मैं ये आप सबको बोलूँगा नहीं, जब आप लोग इस फिल्म को जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि काफ़ी कितनी खूबसूरत और कितनी कमाल का सिनेमा है। तो जल्दी देखते रहिए, जितनी भी मेरी फिल्में आ रही है सबको देखते रहिए, सारे एक से बढ़कर एक हैं और आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। अच्छा, मेहंदी की बात करें, मेहंदी लगा के रखना फर्स्ट पार्ट से कितना अलग होगा चलते? बहुत ज़्यादा, ये पूरी तरह अलग है। बल्कि फर्स्ट पार्ट अगर ज़मीन है तो ये आसमान है, फर्स्ट पार्ट अगर धरती है तो ये समुंदर है। बहुत अलग है, दोनों में कोई वास्तविकता नहीं है, दोनों में कोई जोड़ नहीं है, बहुत अलग है दोनों सिनेमा। और इसीलिए शायद वो सिनेमा नया लगेगा आप लोगों को। सिर्फ टाइटल रखा गया है क्योंकि अनंजय रघुराज जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फोर्स किया कि मुझे टाइटल यही रखना है, क्योंकि उनके बहुत दिल के करीब है वो टाइटल, तो वो इसी टाइटल के साथ वो सिनेमा बनाना चाह रहे थे। और यकीन मानिए बहुत खूबसूरत, बहुत ही कमाल और छकास सिनेमा बनल बा। बहुत ज़्यादा, मैं उस फिल्म की जब हम शूटिंग पर गए थे, जब उस फिल्म का जब तैयारी चल रहा था, तो उसमें मुझे पहले से बताया गया था कि थोड़ा अलग लुक होगा। और बल्कि जब मैंने शूट करना जब शुरू किया तो थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा अलग लुक है उसमें। एक नया चिंटू आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी समय बाद एक अलग चिंटू आप सबको देखने को मिलेगा। तो मैं बस ये कहूँगा जितना भी सिनेमा है उन सब में आपको अलग चिंटू, अलग तरीके का परफॉर्मेंस, अलग तरीके का एग्रेशन, अलग तरीके का एक्शन, अलग तरीके के गाने, अलग तरीके के मसाले, सारे अलग देखने को मिलेंगे। जो भी फिल्म आए अपने दोस्त यार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ जाकर सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा को ज़रूर देखें।